तो मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, आपका दोस्त, हेल्थ गाइड, हेल्थ मोटिवेशन स्पीकर। लास्ट 4 साल से गोत्री पटेल हॉस्पिटल वडोदरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको मार्गदर्शन देने वाला हूँ, जैसे कि डायबिटिक फूड। डायबिटिक के पेशेंट पैर कटने से, पैर में अल्सर होने से कैसे बचे, उसके बारे में मैं आज आपको मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहला इमेज मैंने ऐसे डायबिटिक अल्सर दिखा, ऐसे पैर में अल्सर हो जाते, उससे कैसे बचा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले पैर का स्वास्थ्य मेंटेन करना है, पैर का क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, पैर को साफ सुथरा रखना है। उसको कैसे साफ सुथरा रखना है, सबसे पहला चीज तो साफ सुथरा रखने के पहले रोज दिन में 2 बार या 1 बार पैर को चेक कर लीजिए। मैग्नीफाइंग लेंस, जो दूरबीन होता है, ऐसे कोई दूरबीन से या डायरेक्टली भी आप देख सकते हो पैर में तिराड़े है कि नहीं, कहीं पे लाल है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम, कहीं पे कुछ एबनॉर्मल चीज है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिखता है पैर में, ऐसा चीजें पहले चेक कर लीजिए। इसलिए रोज पैर को चेक करना ना भूलिए। सबसे पहला चीज ऐसे मैग्नीफाइंग लेंस से या दूरबीन से चेक कीजिए। तीसरी चीज चेक करते हो क्या देखना है, कॉर्न, कैलसेस, फिशर, बनियान, हेमरटो, फंगल इन्फेक्शन, ड्राइनेस ऑफ स्किन और इनग्रोन नेल। अब ये सब चीजें दिखती कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसे बोला जाता है इनग्रोन नेल, जिसमें के नाखून अंदर की साइड, स्किन में अंदर की साइड बढ़ते जाता है। दूसरा चीज सूखी चमड़ी, चमड़ी पूरी ड्राई हो जाती है, उसमें ऐसे थोड़े थोड़े रिंकल्स पड़ने लगते हैं। बुनियान, बुनियान में साइड से ऐसा एक हड्डी बढ़ जाता है। तीसरा चीज इनग्रोन नेल, और सॉरी तीसरा चीज होता है फंगल नेल, उसमें आपका नाखून सफेद, हरा या पीला हो जाता है और ऐसे टूटे हुए इरेगुलर, उसकी जो मार्जिन होती है वो ऐसे आड़ी तीड़ी हो जाती है, उसे फंगल नेल कहा जाता है। चौथा हेमरटो, ऐसा आपका पैर की उंगली ऐसी हो जाती है, उसे हेमरटो कहा जाता है। फिर कॉर्न, कॉर्न में जस्ट एक सिंपल पीला या सफेद कलर का आपको फुल्ला जैसा दिखेगा और उसमें से कभी कभी पस निकल सकता है या सिर्फ दर्द वाला ऐसा फुल्ला रहेगा, उसे कॉर्न बोलते हैं। कुछ जगह पे कंटिन्यूअस प्रेशर आने के कारण कहीं की चमड़ी हार्ड हो जाती है, उसे कैलस कहा जाता है। और काफी ड्राई चमड़ी में कभी कभार तिराड़े गिर जाती है, फटारे गिर जाती है, उसे क्रैक स्किन कहा जाता है। और सभी चीजें मैंने एक जगह पे दिखाई है। इसमें से कोई भी चीज पैर चेक करते वक्त आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर को मिलिए, उसका घर पे ट्रीटमेंट मत कीजिए। घर पे ट्रीटमेंट करने के कारण ही उसमें इन्फेक्शन या अल्सर होता है और काफी लंबा खर्चा होता है, काफी लोगों को अल्सर होते हैं, कभी कभार पैर या उंगलियां काटनी पड़ती है, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैर का स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए पैर को 2 बार धोना है दिन भर में गुनगुने पानी से, थोड़ा गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म मत यूज कीजिए, थोड़े गुनगुने पानी से पैर धोना है और आराम से पैर धोना है। काफी बार हम लोग ऐसा घिस घिस के रगड़ के धोते हैं, पत्थर से धोते हैं, वैसा नहीं, सादे नरम कपड़े से पैर धोइए या सादे नरम हाथ से पैर धो लीजिए। दूसरी चीज धोने के बाद में उसको प्रॉपर नरम कपड़े से सुखा लीजिए। हमेशा याद रखिए 2 उंगलियों के बीच का पोर्शन सुखाना ना भूलिए, वह गीला रहने के कारण इन्फेक्शन होता है। तीसरा चीज है, जैसे मैंने आपको उंगलियों के बीच का क्लीन करना बताया, वह चीज ऐसे आपको दोनों उंगली के बीच क्लीन करना है। नेक्स्ट होता है ड्राई स्किन, अगर पैर धोने के बाद आपकी स्किन ड्राई लगती है तो मॉइस्चराइजर लगाना ना मत भूलिए, मगर मॉइस्चराइजर लगाने के वक्त याद रखिए कि दोनों उंगलियों के बीच कभी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, उससे काफी बार इन्फेक्शन होते हैं। इसमें से कोई भी क्रीम, काफी अलग अलग दूसरे मॉइस्चराइजर पे मार्केट में मिलते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ही, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो मॉइस्चराइजर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए, पैर को पानी में डुबो के नहीं रखना है, उससे काफी बार पैर ड्राई होके और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पैर को डुबो के नहीं रखना है, सिर्फ पानी से धो लेना है पैर को, इसे पैर में को कभी भी पानी में डुबो के नहीं रखना है। अब पैर आपने प्रॉपर क्लीन कर लिए, पैर क्लीन करने के बाद में या नहाने के 10 मिनट बाद में, जैसे नाखून नरम हो जाए उसके बाद ही नाखून काटना है। काफी लोगों को नाखून काटते वक्त स्किन डैमेज कर देते हैं, वहां पे इन्फेक्शन या अल्सर हो जाता है, इसलिए नहाने के बाद या पैर धोने के 10 मिनट के बाद जब नाखून नरम हो जाते हैं तभी नाखून को काटना है। अब कैसे काटना है, पहले तो बीच वाला पोर्शन नेल कटर से कट कीजिए, साइड के पोर्शन को कभी भी नेल कटर से कट नहीं करना है, और साइड के पोर्शन को नेल कटर से आपको कट करना भी है तो अगर वह बहुत हार्ड है तो ही कट कीजिए। दूसरी चीज साइड वाला जो कॉर्नर्स होते हैं उसको फीलर से ऐसे आपको जस्ट उसको फील करना है, उसको प्रॉपर लेवल में करना है, फीलर लेके उसको एक डायरेक्शन में ऐसे घिस लेना है कि जिससे आपके नाखून लेवल में हो जाए
हमेशा याद रखिए, फिलर से ऐसा ऐसा नहीं घसना है कि जिससे आपकी चमड़ी डैमेज हो, या नाखून के अंदर से नहीं घसना है कि जिससे आपकी चमड़ी को डैमेज हो। फिलर से एक डायरेक्शन में प्रॉपर घिसके रेगुलराइज कर दो कि जिसके कारण नाखून के जो कोने हैं वह कोने कभी भी पैर कहीं पे लगे तो उससे पैर की चमड़ी डैमेज ना हो। इसलिए सेंटर में पहले कट कीजिए, नाखून के जो कॉर्नर है वह फिलर से आप रेगुलराइज कर दीजिए, प्रॉपर लेवल में कर दीजिए। और बहुत अगर हार्ड नाखून है तो ही नेल कटर से कॉर्नर आप कट कर सकते हैं, मगर कट करते वक्त चमड़ी डैमेज ना हो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा चीज, पैर में हमेशा शूज पहनिए। मैं डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा सलाह देता हूँ कि प्लीज चप्पल मत पहनिए, शूज ही पहनने हैं। मगर शूज कौन से पहनने, डायबिटीज के स्पेशल शूज आते हैं, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके पास में ही जाके शूज बनवा लीजिए। हर सिटी में अवेलेबल नहीं, मगर आपके नजदीक के बड़े सिटीज में अवेलेबल होते हैं। और हमेशा याद रखिए, प्रॉपरली फिटेड शूज, बहुत ढीला भी नहीं और बहुत टाइट भी शूज नहीं पहनना, उससे पैर में ब्लिस्टर हो सकते हैं। हमेशा शूज पहनने के पहले उसे हिला के देखिए उसके अंदर कुछ है कि नहीं, या अंदर चेक कर लीजिए उसके अंदर मट्टी, पत्थर, कांटे या ऐसी कोई चीज ना हो। क्योंकि पहनने के बाद काफी बार डायबिटीज के पैरों में सेंसेशन नहीं होते और लगने के कारण भी अल्सर हो सकते हैं। इसलिए हमेशा पैर चेक कर लीजिए, और कभी भी बिना शूज या बिना चंपल कभी भी चलना नहीं है। आपको घर में भी नहीं चलना है, बाहर भी नहीं चलना है। अगर आपके पैर ड्राई है तो शूज या सॉक्स पहनने के पहले एंटी परस्पिरेंट जो पाउडर होता है या कुछ क्रीम्स होते हैं वह लगाना मत भूलिए। अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा पसीना है आता है तो ही पाउडर या एंटी परस्पिरेंट क्रीम लगाना है। दूसरी चीज, घर में भी बिना चप्पल या बिना शूज आपको नहीं चलना है। तीसरी चीज, शूज या चप्पल पहनने के पहले हमेशा सॉक्स पहने रखिए, और हमेशा सफेद सॉक्स ही पहनने हैं, क्योंकि सफेद सॉक्स में अपने को पता चलता है कि गंदे हुए कि नहीं। रोज आपको सॉक्स बदलना है, सॉक्स के अंदर मखमल ज्यादा होता है वह सॉक्स पहनिए, पतले सॉक्स मत पहनिए। इलास्टिक सॉक्स, जो सॉक्स को जो इलास्टिक होता है ऊपर का, वो इलास्टिक वाले सॉक्स नहीं पहनने हैं आपको। सादे सॉक्स जो आपके तलवे के थोड़े ऊपर तक, यहाँ तक ही पहनना है आपको। लंबे वाले सॉक्स मत पहनिए, छोटे सॉक्स, तलवे के थोड़े ऊपर तक सॉक्स पहनना है, उसमें आपका इलास्टिक नहीं होना चाहिए, कुशन ज्यादा रहना चाहिए, और कॉटन या उलन के ही सॉक्स पहनिए, क्योंकि वह पसीना ज्यादा अच्छे से सोख सकता है। और हमेशा सफेद सॉक्स पहनना है, और सॉक्स को रोज आपको बदलना है, रोज उसको धोने डालना है। और हमेशा याद रखिए, साफ सुथरे और सूखे सॉक्स पहनना है, गीले सॉक्स कभी भी आपको पहनना नहीं है। और हमेशा याद रखिए, इंडिया में काफी बार कॉकरोचेस या मच्छर या काफी बार चूहे काट लेते हैं रात को सोने के बाद, पैर में सेंसेशन ना होने के कारण पता नहीं चलता और वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए रात में सोते वक्त भी सॉक्स पहन के सोइए, क्योंकि बेड में भी सोते वक्त कभी कभार बेड के कॉर्नर्स भी लग सकते हैं, इसलिए सॉक्स पहनने से आप लोग वो पैर की इंजुरीज से बच सकते हो। हमेशा याद रखिए, चलना है या आपको एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, कोई भी एक्सरसाइज करना है तो डॉक्टर की सलाह के बिना एक्सरसाइज नहीं करना है। आपकी पैर की कंडीशन देख के ही आपको डॉक्टर एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे, वही एक्सरसाइज आपको करना है। डायबिटीज में हमेशा वजन नॉर्मल रखिए, जितना वजन नॉर्मल रहेगा उतने आपके पैर अच्छे रहेंगे, उस पर प्रेशर कम आएगा, कैलस और कॉर्न होने से आप बच सकते हो। और डायबिटीज के फूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं करना है, बिना चप्पल नहीं चलना है, गर्म पानी नहीं लगने देना है, गर्म जो हमारा जो ड्रायर होता है हीटर, ड्रायर से पैर सुखाने नहीं है, केमिकल या नेल कटर से कैलस या कॉर्न कभी निकालना नहीं है, पैर में से जो चमड़ी होती है वह निकालनी नहीं है, ब्लेड से कभी नहीं निकालना है, इनग्रोन नेल होता है उसको नेल कटर से घर से मत निकालिए, डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाइए, नेल पॉलिश मत लगाइए, और सॉक्स जो मैंने आपको बोले वही सॉक्स पहनिए, रोज सॉक्स चेंज कीजिए। और प्लीज अगर आपको डायबिटीज है तो तंबाकू या सिगरेट मत पीजिए, उसके कारण पैर की नसें ब्लॉक होकर ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण पैर में अल्सर जल्दी होते और पैर काटने भी पड़ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैक्सिमम डायबिटीज के पेशेंट तक शेयर करना मत भूलिए, उससे आप काफी सारे डायबिटीज के पेशेंट के पैर में अल्सर होने से बचा सकते हैं, उनका पैर कटने से बचा सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो नीचे दिए गए इनबॉक्स में आपको जो भी टॉपिक के बारे में मार्गदर्शन चाहिए वो लिखना ना भूलिए। उसमें आप जो भी वीडियो लिखोगे उसके बारे में मैं आपको रेगुलर वीडियो बना के भेजते रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, जिसके द्वारा आपको रेगुलर माहिती मिलती रहेगी, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन सा वीडियो बन रहा है, और उसके माध्यम से आपको काफी सारी माहिती भी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।